हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ बैडमिंटन खेल का इतिहास। हमारे विश्व में इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी के इतिहास के बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ, उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि बैडमिंटन के इतिहास में हम जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले इसको चीन में खेला जाता था। बैडमिंटन से मिलते जुलते एक खेल जिसका नाम था बैटल डोर यानी शटल काक से चीन में खेला जाता था। इस खेल में शटल काक को एक लकड़ी के पैडल से पहले मारा जाता था, जिसके कारण इसका नाम बैटल डोर भी यानी कि बैडमिंटन को बैटल डोर भी कहा जाता था, यानी एक लकड़ी के पैडल से मारा जाता था, इसलिए इसको बैटल डोर भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बैटल डोर किस खेल का उपनाम है, तो बैडमिंटन का। ज्यादातर इस खेल को उच्च अधिकारी लोग या बड़े राजघराने के लोग ये सब के बीच में काफी लोकप्रिय खेल था बैडमिंटन, और वहीं से इसका नाम बैडमिंटन भी रखा गया। दोस्तों, जैसा कि इसका वास्तविक रूप से जन्म बैडमिंटन का इंग्लैंड में हुआ, और पहले यह खेल इंडोर यानी कि एक हॉल के अंदर खेला जाता था, ठीक है। एंड जैसा कि आप जानते होंगे, बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर ऊंचा होता है। एंड जैसा कि वॉलीबॉल के इंडोर छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होता है, एंड बास्केटबॉल के इंडोर छत की ऊंचाई 7 मीटर होता है, जैसा कि आप सबको ध्यान में होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों 1901 ईस्वी में क्या हुआ कि जो हमारा इंडोर हॉल होता था, उस हॉल के मध्य तार ऊपर से खींचा जाने लगा, शटल कॉक मतलब कि एक बीच में तार बांधा जाने लगा 1901 ईस्वी में, जिससे जो हमारा शटल कॉक हो इस पार से उस पार तार के ऊपर से जाए, ठीक है। इसका नियम जो है 1887 में बना, ठीक है, 1887 में इसका नियम बना, और दोबारा इसके नियमों में संशोधन जो है 87 में बना, 1895 में संशोधन हुआ 1895 और 1905 में। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन किया गया, ठीक है। इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन 1893 ईस्वी में किया गया। कब? 1893 ईस्वी में किया गया। एंड दोस्तों, जैसा कि विश्व चैंपियनशिप यानी कि विश्व की प्रथम प्रतियोगिता पुरुषों की शुरू हुआ, जैसा कि पुरुषों की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता का नाम था पुरुष थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप, जिसकी शुरुआत 1948 में हुआ। एंड महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता प्रथम उबेर कप, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में UPTGT जो 8 अगस्त को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन पुरुष वर्ग से कि महिला वर्ग से। तो कौन सा प्रतियोगिता किस वर्ग, पुरुष वर्ग का है या महिला वर्ग का है, ये भी ध्यान में रखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो विश्व चैंपियनशिप पुरुष थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुआ, एंड विश्व चैंपियनशिप महिला उबेर कप की शुरुआत 1957 में हुआ, ठीक है। तो उबेर थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, एंड उबेर कप महिला से संबंधित है बैडमिंटन में, ठीक। दोस्तों, जैसा कि भारत में इस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे कि रहमतुल्ला कप पुरुषों का है, चड्ढा कप महिलाओं का है, एंड विकास टोपी वाला चैलेंज कप पुरुषों का है, एंड ओलंपिक चैलेंज कप, नेक्स्ट है नॉरम कप जो राष्ट्रीय जूनियर टीम पुरुषों के लिए है, एंड सफी कुरैशी कप
राष्ट्रीय जूनियर महिला के लिए है। दोस्तों कुछ इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगी, जैसे कि सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि बैडमिंटन खेल का जन्मदाता देश कौन है, तो कौन है, इंग्लैंड है, ठीक है। लेकिन भारत में इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भारत में सर्वप्रथम यह खेल अंग्रेजों के द्वारा पूना में खेला गया, ठीक है। भारत में यह सर्वप्रथम कहाँ खेला गया, अंग्रेजों के द्वारा पूना में खेला गया यह खेल फौजी अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम यह खेल अंग्रेजों के द्वारा पूना में खेला गया, वो भी फौजी अधिकारी इसको ज्यादातर खेलते थे, कौन लोग खेलते थे, फौजी अधिकारी, ठीक है। और 1850 में यह पूना में बहुत लोकप्रिय था, 1850 के लगभग में यह बैडमिंटन जो है भारत के पूना में बहुत लोकप्रिय था। तो ये तो हमको पता चल गया कि इसके जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड है, और भारत में अंग्रेजों द्वारा पूना में खेला जाता था और फौजी अधिकारी इसको ज्यादातर खेलते थे 1850 के लगभग, यह बहुत भारत में पूना में बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन का प्रथम क्लब, बैडमिंटन का प्रथम क्लब जो है बाथ इंग्लैंड क्लब, बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन है, बाथ इंग्लैंड क्लब 1873 में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है, बाथ इंग्लैंड क्लब 1873 में। एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता जो है कलकत्ता में, भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई, कलकत्ता में 1934 में। जैसा कि दोस्तों एक पॉइंट मैं यहां पे बताती हूं कि जो बैडमिंटन है इसमें 1934 जो सन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्रियाकलाप 1934 में ही हुआ है। जैसे कि आपका भारत की प्रथम प्रतियोगिता कलकत्ता में 1934 में हुआ। एंड विश्व बैडमिंटन संघ, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का गठन 1934 में हुआ। उस समय इसके सदस्य 9 देश थे, बट वर्तमान में 120 देश सदस्य हैं। अब वर्तमान में इसमें बैडमिंटन में इंग्लैंड जो है नंबर 1 स्थान पे है। दोस्तों इसी का नाम इस समय विश्व बैडमिंटन संघ BWF है, जिसका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन संघ, इसका स्थापना 1934 में कैंट इंग्लैंड में हुआ। एंड मुख्यालय जो है कुआलालंपुर मलेशिया में है। एंड वर्तमान अध्यक्ष पॉल एरिक है, ठीक है। ये तो हुई बात आपकी विश्व बैडमिंटन संघ की 1934 कैंट इंग्लैंड में हुआ। बात फिर है आपका भारतीय बैडमिंटन संघ BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना आपका 1934 में हुआ, मुख्यालय लखनऊ है, ठीक है। तो विश्व बैडमिंटन संघ एंड भारतीय बैडमिंटन संघ दोनों की स्थापना 1934 में हुआ, ठीक है। तो इस जैसे ट्रिक से आप याद करेंगे तो सब आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है BAC, बैडमिंटन एशिया, बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, बैडमिंटन को ओलंपिक में 1992 बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। एंड एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में शामिल किया गया। ओलंपिक में शामिल 1962 बार्सिलोना स्पेन, एशियाई खेलों में शामिल 1962 जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुषों की, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पुरुषों की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता थॉमस कप है 1948। एंड भारत में पहले ही विश्व कप में इसे भाग लिया था भारत ने, यानी कि जब विश्व की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुषों की थॉमस कप 1948 में शुरुआत हुआ था, उसी समय से भारत पहले ही विश्व कप में भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि विश्व कप प्रतियोगिता थॉमस कप किसे संबंधित है, तो पुरुषों से संबंधित है, बैडमिंटन के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला उबेर कप 1957, ठीक है। पुरुष थॉमस कप 1948 से शुरुआत हुआ, विश्व कप प्रतियोगिता महिला उबेर कप 1957 में, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला विश्व कप आपका भुगना करता इंडोनेशिया 2006 में, आपका महिला वाला होना था, एंड पुरुष वाला 2018 में हुआ था थॉमस कप, उसके बाद 22 में होगा।
दोस्तों बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है EMN नाटेकर को दिया गया पुरुषों में, एंड महिलाओं में मीना शाह को, दोनों को 1961 में दिया गया। ठीक है, प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है बैडमिंटन में? NM नाटेकर, एंड पुरुषों में MN नाटेकर, एंड महिलाओं में मीना शाह 1961 में दिया गया। ठीक है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार बैडमिंटन में किसको मिला? श्री SM आरिफ को मिला। ठीक है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार बैडमिंटन में किसको मिला? श्री SM आरिफ को मिला 2000 में। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैडमिंटन खिलाड़ी को सटलर्स बोला जाता है। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी को क्या बोला जाता है? सटलर्स बोला जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार पुलेला गोपी चंद को कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि पुलेला गोपी चंद को 2001 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया, एंड PV सिंधु को 2016 में और सायना नेहवाल को 2010 में राजीव गांधी से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये था बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बैडमिंटन से के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपका बेटन कप तो आपका हॉकी से संबंधित है, सॉरी, इसमें आपका बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, एंड उबेर कप महिला से संबंधित है। थॉमस कप 1948, उबेर कप महिला से संबंधित है 1957। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड बैडमिंटन खिलाड़ी को सटलर से बोला जाता है। ओलंपिक में शामिल हुआ बैडमिंटन 1962 बार्सिलोना स्पेन में, एशियाई खेलों में ओलंपिक में शामिल हुआ 1992 बार्सिलोना स्पेन, एशियाई खेलों में 1962 जकार्ता इंडोनेशिया। ये सभी पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था बैडमिंटन के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं और गेमों की हिस्ट्री, जो आपके इम्पोर्टेंट गेम है जिससे ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, उन सभी गेमों के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो होगा। एंड ये टॉपिक पूरा होने के बाद आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेजरमेंट्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड डोपिंग, इन सब टॉपिक पर विस्तृत वर्णन किया जाएगा, फुल डिटेल में समझाया जाएगा एकदम आसान भाषा में, जो एक बार आप वीडियो देखने के बाद कभी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे आपके माध्यम से और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जिसको इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।